सर इनके साथ मुझे मौका मिला, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ आने का। खैर ये त्यौहार जो है ये भाईचारे का त्यौहार है, क्योंकि ईसा मसीह उनका ये मानना था कि उनको यहाँ वो खुद नहीं आए हैं, उनको भेजा गया है एक प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम लेकर। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये एक बड़ी शानदार क्रिएशन है ऊपर वाले की, जो और उनका ये मानना था कि इसका जो मकसद है, जो इसका अर्थ है, वो अर्थ तभी फुलफिल हो सकता है, उसका जो मोटिव है, जो मकसद तभी फुलफिल हो सकता है जब सभी एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्रेम, द्वेष ना हो, लड़ाई की भावना ना हो, एक दूसरे के खिलाफ जाने की एक ईगो की भावना ना हो। वो तभी हो सकता है जब एक सभी मिलकर उनके बनाए हुए रास्ते जो उन्होंने सुझाया है, जो बताया है पूरे विश्व भर में, उनके रास्ते में चलें। जब वो चलेंगे तो एक दुनिया जो है ऊपर वाले को भी गर्व होगा, जो मेरी एक क्रिएशन है बड़ी शानदार है, और उसको भी गर्व होगा कि एक जो क्रिएशन है ह्यूमन बींग्स जो थोड़ी डाइवर्ट हुई थी तो एक इकट्ठी हुई है। तो यही संदेश है और इसी के लिए बिशप सब जो हैं हम सब जो हैं एफर्ट्स कर रहे हैं। थैंक यू। सारे भाई बहनों को आज मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो ईसा मसीह हमारे लिए मानव बनकर पैदा हुए हैं वो आप सबको आशीष दे, खुशी दे, शांति दे। ईसा मसीह का दुनिया में आना इसका मतलब है ईश्वर ने पृथ्वी और ईश्वर से हमारा मेल कराया है, क्योंकि इंसान पाप के कारण, बुराई के कारण ईश्वर से दूर गया था। इसलिए हम सबको न्याय, नीति, प्यार, समझदारी, समाधान का संदेश लेकर प्रभु का बेटा हमारे पास आया और चाहता है कि हम उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। सारे भाई बहन दिल से प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा को स्वीकार करें और आपसी प्यार से, आपसी समझदारी से वह जीवन बिताए। और यही हम चाहते हैं, यही प्रार्थना हमारे सारे जम्मू कश्मीर रहने वाले तमाम भाई बहनों के लिए है। खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो, आतंकवाद दूर हो जाए, जो भी हमारे मसले हैं हम बातचीत के द्वारा हल कर सके, यही हम हमारे सारे भाई बहनों से चाहते हैं और खास तौर पर अधिकारी लोगों से चाहते हैं।